अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीच और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीच शाह नावल्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सेकंड एपिसोड, यानी कि 140 एपिसोड, जो कि बेसिकली 70 एपिसोड है। और मैं शॉर्ट एपिसोड दे रही हूँ क्योंकि मुझसे लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, और पॉज आप लोग फिर कहते हो कि डायरेक्ट पूरा पढ़ो, तो वो मैं नहीं पढ़ सकती, तो वो जितना मुझसे पढ़ा जाता है, इसलिए ये नॉवल इतना लंबा हो गया है। वैसे ये आप लोगों को लंबा लग रहा है, बेसिकली उतना ही है जितना कि मेरे बाकी नॉवल्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हमारी आज की एपिसोड। जो लोग पूछ रहे थे कि नावल कब तक ख़त्म होगा, तो गाइस मे बी 160 किस्तों तक जाकर ये नावल फिनिश हो जाएगा। यानी कि इस नावल की आज 140, अगले 10 दिन तक इंशाल्लाह ये नावल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की एपिसोड ऑलरेडी। यार ये दूसरी एपिसोड मेरी अपलोड नहीं हो रही, एक मिनट मुझे चेक करने दो। मर में काइस्तान किस नंबर 140 तहरीर अरीद शाह। हेलो काइजान, कैसे हैं आप, कहाँ हैं आप, कब तक वापस आएंगे? मैं सख्त नाराज़ हूँ आपसे। समीर ने जैसे ही बताया था कि कायजान का फ़ोन आया हुआ है, वो इससे फ़ोन लेते हुए गिले शिकवे करने लगी थी। मेरी जान, मैं एक ज़रूरी काम के लिए यहाँ आया हुआ हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो, हमारा बच्चा कैसा है, तुम इसका ख्याल तो रख रही हो ना? देखो मेरे बच्चे का ख्याल रखना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। वो आवाज़ को रोबदार बना कर बोला, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को, मैं इसका बहुत ख्याल रख रही हूँ, और मैं और बेबी हम दोनों आपसे नाराज़ हैं। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ, वो नाराज़गी से बोल रही थी, जबकि समीर वहीं खड़ा इसे सुन रहा था। वो नहीं चाहता था कि वामसी कोई गलती कर दे, वो इसका बना बनाया खेल बिगड़ जाए। मैं तुम्हारी नाराज़गी वहाँ आकर दूर करूँगा, फ़िलहाल मैं यहाँ बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ मेरी जान, और तुमने ना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। वहाँ है ना रसल, रफील और समीर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इनकी बात को समझो और मानो। और यावर भी आता रहेगा तुमसे मिलने के लिए, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज रसल डब्ल्यू को लाएगा तुम इससे मिलने के लिए, वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखना, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। वो प्यार से इसे समझा रहा था, वो इसकी सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझती। हाँ मैं सर हिला रही थी, ठीक है मैं हर चीज़ का ख्याल रखूँगी, आप डब्ल्यू को भेज दीजिए, मैं इसे बहुत मिस कर रही हूँ, और मुझे ना आपसे वीडियो कॉल पर बात करनी है। आप वापस कब आएंगे? वो कॉल ख़त्म करने का इरादा नहीं रखती थी, बस ये मिशन पूरा हो जाए मैं वापस आ जाऊँगा, और वीडियो कॉल मैं फ़िलहाल नहीं कर सकता, यहाँ मेरे लिए बहुत मसला बन सकता है, तुम तो सब समझती हो ना? हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, आप फिक्र ना करें, आप आराम से अपना काम करके वापस आ जाएं। लेकिन मैं पूछना चाहती थी कि वो लाशें, इन सारी लाशों को आपने दफना दिया था ना, इससे पहले कि वो बात ख़त्म करता, मर्म ने सवाल किया। और समीर तो कंफ्यूज हुआ ही था, जबकि दरवाज़े पर खड़े रसल और रफील भी
एक दूसरे को देखने लगे। कौन सी लाशें? दूसरी तरफ से सवाल किया गया था। ये लाइन तो स्क्रिप्ट में कहीं नहीं लिखी हुई थी। अब ये लड़की इससे क्या पूछ रही थी, वो खुद भी नहीं जानता था। अरे वही लाशें जो आपके इस सीक्रेट रूम में, बर्फ वाले कमरे में। 6 लाशें याद नहीं रही आपको? आपने मुझसे वादा किया था कि आप उनको दफना देंगे। इसमें से एक लड़की थी ना, माया। माया की लाश आपको याद नहीं? वो हैरान सी इससे पूछने लगी थी, जबकि समीर की तो मानो हालत खराब हो रही थी। माया कहाँ गायब हुई थी, इसे अब समझ में आ रहा था। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे यहाँ ज़रूरी काम आ गया है। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। हो गई तुम्हारी बात कायजान से? देखो वो भी यही चाहता है कि तुम अपना ख्याल रखो। समीर इसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोला था, जबकि कायजान ने इसकी आखिरी बात का जवाब नहीं दिया था, इसलिए वो थोड़ी परेशान हो गई थी। हाँ हो गई बात। आपका फ़ोन W आएगा ना, तो इसको मेरे पास ले आना। वो समीर को कहती बाहर निकल गई थी, जबकि रसल भी इसके साथ ही बाहर निकला था। जबकि वो रफील को भी जाने का इशारा कर रहा था, ताकि इसे पता चल सके कि मर्म को शक तो नहीं हो गया। तुम्हें कायसान ने वो आइस रूम के बारे में कब बताया? मेरा मतलब है कि वो तुम्हें इन सब चीज़ों में शामिल नहीं करना चाहता था, तो तुम्हें कैसे पता चला कि इसके सीक्रेट आइस रूम में वो 6 लाशें हैं? मैंने खुद चोरी से जाकर देखा था, वो शरारती अंदाज में बोली थी। मगर तुम वहाँ गई कैसे थी? वो फिर से पूछने लगा। वो मुझे जासूसी करने का शौक चढ़ा हुआ था। जब हम आपकी शादी के लिए पूरा घर सजा रहे थे ना, इसी दौरान मैंने ना बोल दिया कि मैं इस कमरे के अंदर की सेटिंग चेंज करनी है, लेकिन कायसान ने मुझे बहुत सख्ती से डांटा और कह दिया कि इस कमरे में मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन फिर जब सब लोग घर से गए ना, तो मैंने पीछे चोरी से इस कमरे का दरवाज़ा खोला, तो मेरी हालत ख़राब हो गई इस कमरे में लाशें देखकर। मैं चोरी चोरी इस कमरे में चली तो गई थी, लेकिन एक तो वो कमरा बहुत ठंडा था, और मज़े की बात बताऊं, मैं वहां दूसरी दफ़ा गई थी। पहली दफ़ा मैं इस कमरे में बेसमेंट वाले कमरे से गई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी इतनी सारी लाशों को एक साथ देखकर। इस दिन वो सब लोग निकाह की सारी तैयारी कर रहे थे। जब सारी तैयारियां करने के बाद कायजान किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर गया, जबकि रफील नशरा के पास गया हुआ था और रसल कायजान के ही किसी काम के लिए बाहर निकला हुआ था, घर पर उस वक्त कोई नहीं था। जब इसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था, इतने दिनों से वो बेचैन थी ये सोच के कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि वो इसे इस कमरे में जाने नहीं देता। बस बहुत हो चुका था, अब तो वो कायजान के सारे राज भी जान गई थी। तो फिर क्या मसला था, वो कमरे में क्यों नहीं जा पा रही थी? सोच कर इसने कमरे का दरवाज़ा का हैंडल घुमाया, और अगले ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। वो दरवाज़ा बंद किए बगैर ही कमरे के अंदर आ गई थी।
जो बर्फ से पूरी तरह कवर्ड था। ऐसा लगता था जैसे वो कोई मर्दान खाना हो, क्योंकि इसके सामने 6 बड़े बड़े ताबूतों को दीवार के साथ लगाया गया था और इन सब के अंदर इंसानों की डेथ बॉडीज थी। इसका दिल कांपने लगा था। इससे ज़्यादा वो इस कमरे में नहीं रुक पा रही थी, लेकिन इसने अंदाज़ा लगाया कि ये वही कमरा है जहाँ वो पहले बेसमेंट से घर के अंदर किसी कमरे में आई थी, क्योंकि ताबूत के पीछे वही हिस्सा था जहाँ तक वो पहले हो कर गई थी। इसे लगा कि अगर वो यहाँ मज़ीद कुछ देर और रुकी तो इसका दिल बंद हो जाएगा। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और भागते हुए इस दहशतनाक कमरे से बाहर निकली। वो तेज़ी से भागते आगे बढ़ रही थी जब अचानक सामने से नमोदार होने वाले वजूद से टकराई। कायसान, वहाँ अंदर लाशें, वो इसके सीने में छुपी पनाह तलाश कर रही थी। इसका जिस्म खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। कायसान की गैर मौजूदगी में वो सिर्फ़ इस कमरे में देखना चाहती थी। वो सिर्फ जानना चाहती थी कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो इतने महीनों से यहाँ रहने के बावजूद भी इसे पता ना चला। वो क्या छुपाता था इससे? वो क्यों इसे इस कमरे में जाने नहीं देता था? कौन सा राज छुपा हुआ था इसके इस कमरे में? पिछले कई महीनों से वो बहुत मुतजस्सस थी इस कमरे का राज जानने के लिए, लेकिन वहाँ ये सब कुछ होगा ये तो इसके वहमो गुमान में भी ना था। रिलैक्स मेरा बच्चा, रिलैक्स। क्या हो गया है, इतना क्यों डर रही हो? क्या देख लिया तुमने अंदर? इसने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगाया था। कायसान, वहाँ बहुत सारी लाशें। बहुत सारी तो नहीं जान, सिर्फ 6, वो पुरसकून बोला था। 6? इसके लिए लफ्ज़ अदा करना मुश्किल हो गया। हाँ बेबी, सिर्फ 6 लोगों की लाशें हैं, और तुम्हें पता है वो सब मेरे जान से अज़ीज़ दोस्त थे जिनसे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरे प्यार के काबिल नहीं थे, इसीलिए मैंने इन्हें मार दिया। मैंने इनसे बहुत प्यार किया मर्म, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमसे करता हूँ, लेकिन ये मेरी इज्जत नहीं करते थे, ये मुझे धोखा दे रहे थे। अब सारी ज़िंदगी मेरे पास रहेंगे और मुझे धोखा भी नहीं दे सकेंगे। वो बहुत खुशी से बता रहा था जैसे इसके लिए ये सब कुछ जानना ज़रूरी हो। कि क्या मतलब? इसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट वाजिया थी। मतलब वही जो तुम समझ रही हो मेरा बच्चा। इसका अंदाज़ बहुत बरसरार था। मरम अंदर तक कांप चुकी थी। मिस्र का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जिसकी जगह मैंने ली थी, इसकी लाश को मैंने यहाँ रख लिया था। फिर माया, मुझे इसके चेहरे से मोहब्बत थी, मैं इसे कैसे खुद से दूर करता? बाकी 4 लाशें मेरे दोस्तों की हैं। कुछ अजीज़ लोग जुड़े थे इस काम में मेरे साथ, लेकिन धोखा दे गए मुझे। मुझे बहुत प्यार था इनमें से। जो लोग मुझे प्यारे होते हैं मैं उनको मरने के बाद भी खुद से जुदा नहीं करता। इस तरह मैं इनसे धोखे का बदला भी ले लेता हूँ और प्यार भी जता लेता हूँ। मैं अक्सर इनसे बातें भी करने जाता हूँ। तुम भी चलो कभी
हम इनसे बहुत सारी गप्पे मारेंगे। खैर, तुम मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती थी ना? वो इसके हाथ कंधों पर हाथ फैलाकर मुस्कुराते हुए इसे रूम में ले जाने लगा, जबकि वो इसकी बात सुनने के बाद बौखला गई थी। वो इसे क्या बताती कि वो इससे यावर के घर जाने की इजाज़त मांग कर यहाँ से जाना चाहती है। मैं कुछ कुछ नहीं, रिलैक्स मेरा बच्चा, तुम इतना ज़्यादा डर रही हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, यहाँ लेट जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। वो इसे ज़बरदस्ती बेड पर लेटाते हुए इसके पास बैठ गया था। इसका कांपता वजूद नज़रअंदाज करने के काबिल हरगिज़ नहीं था, जबकि इसके हाथ इसके बालों में उंगलियां चला रहे थे। तुम इस कमरे में क्यों गई थी मेरी इजाज़त के बिना? आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने बालों पर सख्त गिरफ्त महसूस हुई। वो मेरी एयरिंग का पिन वहाँ गिर गया था, मुझे लगा बहुत छोटा सा होता है ना, इसीलिए मुझे लगा कि हो सकता है वो दरवाजे की गुंजाइश से अंदर चला गया हो, इसीलिए मैं इसने अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाते हुए ताज़ा ताज़ा बहाना सुनाया था। तो मिला तुम्हारे एयरिंग का पिन, वो इसके कानों को छूते हुए बोला था। इसके एयरिंग्स पिंस के बजाय हुक्स वाले थे, और ये वो पहला तोहफा था जो इसने मर्म के लिए लिया था। और वो जानता था कि जब से इसने मर्म को ये एयरिंग्स पहनाए थे, इसने उतारे नहीं थे। हाँ, मिल गया, वो कहते हुए आंखें बंद कर चुकी थी। वो जानती थी कि इसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, वो झूठ बोल रही थी और कायजान जानता भी था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन कायजान इसकी चोरी नहीं पकड़ना चाहता था। इसके लिए फ़िलहाल एक ही झटका काफ़ी था। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आकर बात करता हूँ, रात को तुमसे आकर पूछूंगा तुम्हारे एयरिंग्स में पिन कहाँ लगते हैं। बहाना तैयार रखना, मुझे तुम्हारी बनाई गई कहानियों में काफ़ी दिलचस्पी है, और यकीनन इस कमरे को लेकर तुम्हारा तजस्सुस अब ख़त्म हो गया होगा, तो आगे से मुझे इस तरफ नज़र मत आना। वैसे अब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके खौफ को दिलचस्पी से देखता मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगा था। इन लाशों को दफना दें गायजान, खुदा नाराज़ होता है, वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं इन्हीं की रस्मात के मुताबिक इन्हें दफना दीजिए, हमें कोई हक नहीं है किसी से इसकी आखिरी पनाहगाह छीनने का। अगर वो मुसलमान हैं तो इनका जनाजा पढ़ाएं, अगर हिंदू थे तो इनकी रस्मात को पूरा करें। प्लीज़, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन ये लाशें इस घर से निकाल दें इससे पहले कि वो इससे दूर होता। वो इसकी शर्ट को पकड़ कर अपने करीब कर चुकी थी। जिनसे मोहब्बत की जाती है इन्हें अपने पास रखा जाता है, और आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं तो आपसे दूर कहीं नहीं जाऊंगी। हम कोई नहीं होते किसी को मरने के बाद सजा देने वाले। वो इसका चेहरा थामे समझा रही थी, जबकि वो आहिस्ता से इसके माथे पर लब रखता लाशों को घर से निकालने का वादा कर चुका था। रसल ये तो समझ चुका था कि मर्म इस बारे में सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन अगर ये वाकया निकाह से अगले दिन का था तो वो सारी लाशें कहाँ गायब हो गई थी, क्योंकि निकाह वाले दिन तो कायजान ने ख़ुद इस कमरे में जाकर इससे कहा था कि वो जल्द इन सब लाशों को यहाँ से गायब कर देगा। अगर वो बाद में लाशों को गायब करने वाला था तो अब
वो लाशें कहाँ गायब हुई थी, क्योंकि कायजान तो निकाह के अगले ही दिन मर गया था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। कायजान की लाश को वो अपनी आंखों से देख चुका था और अब किसी तरह की गलत फहमी में मुबतला नहीं हो सकता था। वो किसी तरह की कहानी बना नहीं सकता था। हकीकत इसके सामने थी। इसने खुद अपनी आंखों से कायजान की लाश की शनाख्त की थी। इसके पेट पर वो निशान था और वो 6 गोलियां जिनके लगने से इसकी मौत हो गई थी। हकीकत वो थी तो फिर वो सारी लाशें कहाँ गायब हुई थी? इस घर में लाशें हैं, ये बात रसल, रफील और कायजान के अलावा कोई नहीं जानता था। और अब मर्म को भी इस बारे में पता चल चुका था। हो सकता है इसने यावर को बताया हो और यावर ने वो लाशें कहीं गायब करवाई हो, लेकिन अपने निकाह वाले दिन वो लाशें कैसे गायब करता? वो उलझ रहा था जबकि मर्म के सामने झूठ बोल बोल कर वो थक चुका था। हकीकत वो इसे बता नहीं सकता था और ये सारे झूठ इसे मर्म से नजरें नहीं मिलाने दे रहे थे। सो गाइज, ये थी आप लोगों की आज की एपिसोड। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ और दुआ कीजिएगा कि कल न्यूजीलैंड से पाकिस्तान जीत जाए तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बन जाएं। यार क्या करें, हम तो मरते दम तक सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट तो करनी ही है। आई नो गाइज, जितना पाकिस्तान ने गंदा खेला है उसके बाद हमारी आवाम भी मायूस हो गई है, लेकिन क्या करें यार, हम तो फिर भी फैंस हैं और साथ निभाएंगे। कोई गल नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब लोग दुआ कीजिएगा कि कल पाकिस्तान जीत जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपनी रखने दें इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।